নমস্কার, আপনারা দেখছেন আরডি নিউজ, আমি সঙ্গে রয়েছি শ্বেতা। নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে, আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি, এবং তার আগে কিন্তু প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল প্রচার শুরু করে দিয়েছে। এবং তার মধ্যে যদি আমরা দেখি, ভারতীয় জনতা পার্টি এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক দিনই রাজ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় নেতারা রাজ্যে আসছেন, বিজেপির যে মনোনীত প্রার্থীরা রয়েছে তাদের সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে জনসভা থেকে শুরু করে রোড শো, এমনকি মিছিল মিটিংও তারা করছেন। আমরা আজকে পেয়ে গেছি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে, শ্রী রাজনাথ সিংজি মহোদয়কে, কথা বলে নেব ওনার সঙ্গে রাজ্যের এই নির্বাচনকে নিয়ে তিনি কি মনে করছেন। নমস্কার স্যার, স্বাগত হ্যায় আপকা আরডি নিউজ মে। पहला जो विषय मैं आपसे जानना चाहूंगी कि त्रिपुरा में आप बहुत बार आए हैं, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो क्या लगता है आपको 5 साल सरकार के बाद इस बार कितना चैलेंजिंग होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं त्रिपुरा से अच्छी तरह परिचित, पहले जो गवर्नमेंट थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, जो 2018 में आई थी, बिप्लव देब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी जिसे बोलते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति, काफ़ी यहाँ पर अच्छी हुई है। और मैं मानता हूँ कि किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त यही होती है कि कानून व्यवस्था के हालात बेहतर होने चाहिए। तो कानून और व्यवस्था के हालात बेहतर होने के कारण विकास के काम भी तेजी के साथ त्रिपुरा में हुए हैं। अब हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मानिक साहब के ऊपर है, चीफ मिनिस्टर के रूप में अच्छी तरह बखूबी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और आज भी कानून और व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, और डेवलपमेंट का काम भी तेज़ी के साथ चल रहा है। लोग बीमार हो जाते थे, गरीबी होने के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते थे, अब उनको आयुष्मान भारत कार्ड जो है दिया जा रहा है, 5 लाख रुपये तक का वो मुफ्त इलाज उनका जो हो सकता है। यह सब सारी सुविधाएँ जो गवर्नमेंट ने दी है, उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर है। कोरोना के क्राइसिस के दौरान, कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने चीज़ों को हैंडल किया है, उसको भी लेकर लोगों के अंदर बेहद खुशी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो लगभग अधिकांश परिवारों में बिल्कुल मुफ्त राशन जी, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन, और कोरोना समाप्त हो जाने के बाद आज भी लोगों को मिल रहा है, इसकी तो कोई कल्पना भी पहले नहीं करता था। इन सब सारी चीज़ों का, इन सारी स्कीम्स को जिस प्रॉपरली, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर है। इसलिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी। हम देख रहे थे कि त्रिपुरा में बहुत साल CPM का राज था, उसके बाद अभी वो लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हैं, जो पहले राइवल्स थे, अभी वो लोग एक साथ आके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ जुट हो गए हैं। क्या लगता है आपको कितना चैलेंजिंग होगा ये विषय? इसका मतलब दो कमजोर लोग मिलकर, दो कमजोर व्यक्तियों साथ मिलकर वो ताकतवर नहीं हो सकते हैं कभी। दोनों पार्टियां रियलाइज करती हैं, चाहे CPM हो अथवा कांग्रेस हो, कि दोनों कमजोर हैं, अकेले वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उन लोगों ने अलायंस किया है। तो अलायंस के बावजूद माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, और कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसलिए उस अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं पूरी तरह से इसीलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ही क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी। क्लियर मेजॉरिटी क्या, इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। हम ये देख रहे थे कि अभी जो ADC एरिया जो है, वहाँ पे तिपरा मोथा एक लोकल पार्टी है जनजातियों का, वो वहाँ पे राज कर रहे हैं, वो लोग अभी विधानसभा इलेक्शन में भी लड़ने के लिए तैयार है। ये तिपरा मोथा जो पार्टी है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को कितना थ्रेट दे सकते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे लगता है कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी को कोई थ्रेट नहीं देगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आदिवासी समाज के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि पहली बार इस देश ने यदि किसी को राष्ट्रपति चुना है, तो आदिवासी समाज से ही राष्ट्रपति चुना है।
इस हकीकत को लोग भी अच्छी तरह समझते हैं। अब सीपीएम कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था उस समय, और इतना ही नहीं, आदिवासी समाज के वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं और उसका सीधा लाभ उस कम्युनिटी को मिल रहा है। एकलव्य योजना के अंतर्गत भी जो स्कीम चल रही है उसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है। आदिवासी समाज के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट ने किया है, लोगों को आवास मिल रहा है, लोगों को घर में पानी मिल रहा है। जिनको नहीं मिला है उनको निश्चित रूप से 2024 समाप्त होते होते हर घर में पाइप्ड वाटर भी पहुंच जाएगा, और जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, मकान नहीं मिला है, उनको 2024 तक सबको आवास भी मिल जाएगा। हम थोड़ा हटके क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप एज ए डिफेंस मिनिस्टर क्या कहेंगे? त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है, मतलब वहाँ पे बांग्लादेश का बहुत सारा बॉर्डर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो एज ए डिफेंस मिनिस्टर ये कितना कठिन है कि त्रिपुरा को इंडिया से इंडिया में सुरक्षित रखना? त्रिपुरा के लोग नेशनलिस्ट हैं, इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बावजूद वो जो भारत की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, भारत की मिट्टी के प्रति उनके दिल में प्यार है, इसलिए इस बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता कुछ नेगेटिव। मैं कॉन्फिडेंट। और एक विषय में आपसे जानना चाहूंगी, एकदम लास्ट में आ चुके हैं हम, आप लोग अगर इस बार सरकार में आएंगे, विजन डॉक्यूमेंट हमने पहले देखा था, इस बार क्या होगा एजेंडा, क्या रखेंगे लोगों के सामने? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये तो बेहतर बराबर बनी रहे, पहली कोशिश हमारी ये होगी, और यहाँ के नौजवानों को के हाथों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, ये हमारी कोशिश होगी, और साथ ही साथ सबके लिए आवास मिले, सबको पानी मिले, सबको बिजली मिले, सबके मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपरली सबका हो सके, यह सब सारी व्यवस्थाएं इंश्योर हों, सुनिश्चित हों, यह हमारी कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ इतना वक्त देने के लिए, धन्यवाद। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ত্রিপুরায় এসেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির যারা মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন তাদেরকে সমর্থন করতে, এবং ওনার কথায় কিন্তু আমরা একটা বিষয় একেবারে ক্লিয়ার করে বলতে পারি যে রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ফের একবার ক্ষমতায় আসবে সে বিষয়টা নিয়ে কিন্তু তিনি যথেষ্টই আশাবাদী। ক্যামেরা পার্সন তীর্থঙ্করের সঙ্গে আমি শ্বেতা, দেখতে থাকুন আরই নিউজ।